नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। बुच्छा विधानसभा उपचुनाव ने बिहार की राजनीति में गर्माहट ला दी है। इस राजनीति में अगर हम बात करें तो ये जो उपचुनाव है वो प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। खास करके तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की अगर हम बात करें तो इन दोनों की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ ये चुनाव कितना महत्व रखता है ये इस बात से ही समझा जा सकता है कि इस चुनावी प्रचार के लिए खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुच्छा पहुंचे और वहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी बेबी कुमारी के लिए वोट मांगा। ऐसे में अगर हम बात करें तो बुच्छा में उपचुनाव के लिए जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है। लोगों को अब ये फैसला लेना है कि आखिर बुच्छा से किसे विजय बनाया जाए। ऐसे में अगर हम बात करें तो तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है वो कर लिए गए हैं। जितने भी मतदान केंद्र हैं उन सभी जगहों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो सके। बुच्छा की भी ग्राउंड रिपोर्टिंग हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि तमाम सुरक्षा के तहत जो वोटिंग के लिए इंतजाम है वो किए गए हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो मुख्य निर्वाचन कार्यालय की जानकारी के अनुसार उपचुनाव के लिए 350 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्रों पर तकरीबन 1500 चुनाव कर्मी लगाए गए हैं। इसके साथ ही 11 अप्रैल को पोलिंग पार्टियों को उनके केंद्र के लिए रवाना कर दिया गया। साथ ही साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही 10% रिजर्व के साथ 350 से अधिक पीठासीन पदाधिकारी और 50 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही बुच्छा उपचुनाव को इस बार विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस सीट को भाजपा, राजद और वीआईपी ने अपने लिए प्रतिष्ठा की सीट मान ली है, जिस वजह से तमाम पार्टियां यहां लगातार प्रचार प्रारंभ होने से लेकर अंत तक जो जोर है वो आजमाइश की गई। इसके साथ ही बीते चुनाव की बात करें तो साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में वीआईपी के उम्मीदवार मुसाफिर पासवान ने यहां से जीत दर्ज कराई थी, लेकिन उनके निधन के बाद यहां उपचुनाव कराया जा रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें तो इस बार के हो रहे उपचुनाव में बेबी कुमारी जो कि भाजपा की कैंडिडेट है, उनके साथ ही अमर पासवान आरजेडी की तरफ से चुनावी मैदान में है, तो वहीं रमई राम की बेटी गीता कुमारी वीआईपी से बुच्छा में अपनी किस्मत को आजमा रही हैं। और यही वजह है कि ये सीट जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि यहाँ पर जितने भी बड़े नेता हैं उन वो सभी पहुंचे और उन्होंने चुनावी प्रचार किया। ऐसे में बुच्छा की अगर हम बात करें तो वोटिंग शुरू हो चुकी है और अब ये तय होगा कि आखिर जनता किसे चुनती है, किसका साथ देती है। क्या जनता आरजेडी के साथ जाती है, वीआईपी के साथ जाती है या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, ये तो चुनावी परिणाम के बाद सामने आएगा। लेकिन ये जो सियासत में गर्माहट है ये बुच्छा में हो रहे उपचुनाव की वजह से देखने को मिल रही है, जिसको लेकर आखिरकार आज वोटिंग का दिन आ ही गया। जो कतारें हैं वो 8 बजे से ही लगी हुई हैं, लोग अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ वहां की भी क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आएगी, क्या कुछ देखने को बुच्छा से मिलेगा ये भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।